देश में लोग स्कूटर चलाना बंद कर रहे हैं। पिछले 5 महीनों में स्कूटर की बिक्री कम हुई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पेट्रोल की कीमतों का भी असर स्कूटर की बिक्री पर पड़ा है। देश में बिक रहे स्कूटर की ग्रोथ अप्रैल से अगस्त के महीने में सिर्फ 6.7% ही रही है, जो बीते 7 सालों के न्यूनतम स्तर पर है। हाल में जारी हुए सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी SIAM के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2012 में बिक रहे दो पहिया स्कूटर की ग्रोथ 24.5% थी। वित्त वर्ष 2018 में ये ग्रोथ 19.9% पर थी, पर वित्त वर्ष 2019 के पहले 5 महीनों में कम होकर 6.7% पर आ गई, यानी स्कूटर की बिक्री में करीब 13% की गिरावट है। जबकि इसी दौरान बिकी मोटरसाइकिल की ग्रोथ रेट 14.6% रही है, यानी लोग स्कूटर से ज्यादा मोटरसाइकिल्स लेना पसंद कर रहे हैं। यामा मोटर इंडिया के सेल्स एंड मार्केटिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रॉय कुरियन के मुताबिक स्कूटर की बिक्री की ग्रोथ बीते वर्ष के जैसे बनाए रखने की थी, मगर स्कूटर बाजार में सैचुरेशन आने की वजह से इसमें कमी आई है। दोपहिया निर्माता के एक एग्जीक्यूटिव ने बताया कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का असर स्कूटर की बिक्री पर भी पड़ा है, जिसकी वजह से लोग स्कूटर से ज्यादा बाइक लेना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उसी सेगमेंट की मोटरसाइकिल ज्यादा माइलेज दे रहे हैं। गो न्यूज के लिए उजैर अली की रिपोर्ट।